इंसान पूरी ज़िंदगी इधर से उधर भी हो जाए, लेकिन चार रोटी कमाने के लिए, चार रोटी का पैसा कमाने के लिए वो ज़िंदगी भर इधर से उधर लगा ही रहता है, लेकिन दिमाग में फिर भी एक बात चलती है, हाउ टू गेट अ ब्लू टिक ऑन मौज ऐप। ये इससे कोई भी संबंधित नहीं था, लेकिन फिर भी जोड़ कर आपको बताया, क्योंकि यही एक पैशन है मेरा, जोड़ तोड़ के कुछ नया बनाना और सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर मौज ऐप ने खुद हमें बताया है कि ब्लू टिक का क्या क्राइटेरिया है, लेकिन जिन्होंने ये हमारे पास भेजा है मैं उनका धन्यवाद करता हूं, आई पुनीत का। पुनीत, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने ये टॉपिक हमारे साथ सजेस्ट किया और सजेस्ट करने के बाद यहाँ पर मौज ऐप की एक हिस्ट्री हमें भेजी है। ये मौज ऐप के क्रिएटर ने हमें बताया है, यहाँ पर क्या बताया है आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में पढ़ने की थोड़ी थोड़ी करके बताने वाला हूँ। आपके सामने ये स्क्रीनशॉट है जो कि आई पुनीत का है, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन रिक्वेस्ट भेजने के बाद ये सेकंड आप देख पा रहे हैं, ये वो पोस्ट है जो कि एक मौज का है, यानी कि ऊपर आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने वो हाइड कर रखा है, नाम नहीं बताऊंगा, मौज मैनेजर हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्राइटेरिया इज़ मौज पे 5 मिलियन फॉलोअर होने चाहिए और इंस्टा पर अबव 4K यानी कि 400K हिंदी लैंग्वेज के क्रिएटर होने चाहिए। कुल मिलाकर अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर आपके मौज पर 5 मिलियन फॉलोवर होने चाहिए और इसी के साथ आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, लेकिन उस इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी 4 लाख फॉलोवर होने चाहिए और आपका इंस्टाग्राम हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर हिंदी लैंग्वेज से कोई और लैंग्वेज में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उन पर भी एक टिप्पणी इन्होंने करी है, वो भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये आपके सामने है, आप यहाँ पर देखें कि इनका एक जो मौज ऐप का प्रोफाइल था वो बंगाली लैंग्वेज में था, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पुनीत का यहाँ पर क्या रिप्लाई में दिया हुआ है, ही इज़ बंगाली लैंग्वेज क्रिएटर एंड बंगाली लैंग्वेज स्मॉल लैंग्वेज है, सो यूज़ लैंग्वेज का क्राइटेरिया जो है, इस लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया है वो बहुत कम है, तो आपको हिंदी में अपना बनाना होगा फॉलोवर 4 लाख। ये पता नहीं किस तरह से मौज ऐप ने भेजा है, अगर भेजा भी है तो क्या ये इनफ हो पाएगा? क्या आपको लगता है कि 4 मिलियन फॉलोवर पर मौज ने ब्लू टिक देना है, या फिर ये आपको लगता है कि 5 मिलियन का ही क्राइटेरिया है और 4 लाख का क्राइटेरिया इंस्टाग्राम पर है तो ये देगा मौज ऐप? अगर आपको भी इनमें कुछ अनबन लगती है और आप भी अपना कुछ कमेंट शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हालांकि जो क्राइटेरिया है वो जिन्होंने ये समझाया है इसकी डीपली जांच हम कर रहे हैं, और जैसे ही हमें कुछ मिलता है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।